new. It's sealed. Mark. Card under program control. So that's what you do in production to do. So it printed first name and it got here's Mark and look it nicely formatted. Hollrith ke punch cards ka istemal. Use of Hollrith punch cards. पंच कार्ड या पंच कार्ड स्टॉक पेपर का एक टुकड़ा जो डिजिटल डाटा को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल डाटा को डाटा प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली हॉलरिथ एक रेल रोड टिकट कंडक्टर से मुतासर हुआ कि उसने एक रफ सा टुकड़ा को टिकट बनाकर मुसाफिर को दिया। उस वक्त उसकी ये कोटेशन थी, आई वॉज ट्रेवलिंग इन द वेस्ट एंड आई हैड अ टिकट with what I think was called a punch photograph, the conductor punched out a description of the individual as light hair, dark eyes, large nose, etc. So you see, I only made a punch photograph of each person. 1890 में हॉलरिथ ने पहला electromechanical punched card tabulator बनाया जो punch की गई information को पढ़ सकता था। इन cards को stack शक्ल में रखना पड़ता था। मुख्तलिफ मसाइल के हल को कार्ड्स के मुख्तलिफ सिंटैक्स पर ज़खीरा किया जाता था और बवक्ते ज़रूरत उन्हें इस्तेमाल किया जाता था। पंच कार्ड की इजाद ने जदीद डाटा प्रोसेसिंग का रास्ता खोल दिया। IBM और दूसरे कंप्यूटर मैनुफैक्चरर्स आगे बढ़े और पंच कार्ड इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर बनाए गए। ये कंप्यूटर सिर्फ आदाद को जमा ज़रब और तरतीब दे सकते थे। इन्हें डाटा मुहैया किया जाता था और नतज पंच कार्ड पर हासिल हो जाते थे। आज की मशीनों के लिहाज से ये कंप्यूटर बहुत सुस्त थे। आमतौर पर ये कंप्यूटर 50-220 कार्ड्स फी मिनट प्रोसेस करते थे। हर कार्ड्स पर 80 अदाद करेक्टर्स होते थे। तहम उस वक्त पंच कार्ड्स तरक्की की तरफ एक बड़ा कदम थे। उन्होंने वसी पैमाने पर इनपुट आउटपुट और मेमोरी जखीरा किए। ये 20वीं सदी में ज़्यादातर इस्तेमाल होते रहे।